हेलो वेलकम बैक। आज 9 नवंबर है और मैं होकाइडो में आया हूँ। होकाइडो में यहाँ पर मेरी एक कॉन्फ्रेंस है और ये जो सिंपोजियम है ये आईसेज ने ऑर्गेनाइज़ की है। आईसेज यहाँ पे है इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएशन इन जापान। लास्ट ईयर मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग मेंबर था, तो हमने इंडियन एम्बेसी जो टोक्यो में है वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की थी लास्ट ईयर नवंबर में ही, दिवाली से जस्ट पहले। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और इस बार जो ये सिंपोजियम है ये हो रही है होकाइडो यूनिवर्सिटी में। होकाइडो मेरे यहाँ से बहुत दूर है स्कूबा से और टोक्यो से, तो यहाँ से मैं फ़्लाइट से आया हूँ। मुझे अराउंड 2 घंटे लगे हैं फ्लाइट से। और यहाँ पे जो ये सिंपोजियम है कल से स्टार्ट होगी, तो आज मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मौसम काफ़ी डिफरेंट है हमारे स्कूबा से। स्कूबा में अराउंड टेम्परेचर अभी चल रहा था 12 डिग्री के आसपास, और यहाँ पे अभी दिन में जो टेम्परेचर है उसका वो टेम्परेचर है अराउंड 6 डिग्री और रात को अराउंड 1 से 2 डिग्री हो जाएगा, तो काफ़ी ठंड होने वाली है यहाँ पे। और ये जगह काफ़ी फेमस है, स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरती है यहाँ पे, क्योंकि ये होकाइडो जापान के नॉर्थ में है, मोस्ट नॉर्थ में है, नॉर्दर्न पार्ट है जापान का। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर रशिया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है यहाँ पे। और ये जगह काफ़ी फेमस है अस्की और स्केटबोर्ड। और इस टाइम पे यहाँ पे स्नो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑटम है। ये जो विंटर से जस्ट पहले ऑटम सीज़न आता है, जो ये सभी जो पेड़ होते हैं इनके जो लीफ है, जो इनके पत्ते होते हैं उनके कलर चेंज होता है। अभी आपको येलो दिख रहा होगा, येलो और रेडिश, और कुछ जो पेड़ है यहाँ पे उनके जो सारे पत्ते ऑलमोस्ट लाल हो गए हैं। यहाँ पे आसपास आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ऑटम ये जो कलर देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ट्रीज़ के बिल्कुल पीले हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ छोटे पेड़ हैं, वो फूल नहीं है, वो सभी पत्ते हैं जिनका रंग अभी लाल हो चुका है। ये इसके कलर दिख रहे होंगे, बिल्कुल पीला हो चुका है और अभी थोड़ा सा रेड होना स्टार्ट हुआ है, रेड और मैरून टाइप। और मैं यहाँ पे 11 बजे पहुँच गया हूँ और जो मेरा चेक इन है होटल में वो होगा 3 बजे। यहाँ पे सभी जितने भी जापान में होटल हैं सबके और होटल और हॉस्टल सभी के चेक इन 3 बजे होते हैं और चेकआउट होता है सुबह 10 बजे। तो मैं जब तक, लेकिन उन्होंने बैग एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उनके पास बैग, उनके जो मेरा लगेज था वो मैंने उनके पास रख दिया है। ये जो होकाइडो जगह है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है यहाँ पे कंपैरेटिव। पूरे जापान में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी होकाइडो में ही है। होकाइडो की सबसे खास बात, यहाँ के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध हो गया या यहाँ पे चीज़ हो गया, बटर हो गया और क्रीम, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। पूरे जापान में जितनी भी सप्लाई होती है दूध की और इन सभी डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो मोर देन 50% होकाइडो से ही जाता है पूरे जापान में। तो काफ़ी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, एयर बहुत क्लीन है यहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो यहाँ की बफेलो और काउज हैं जो यहाँ पे दूध देते हैं, तो उनको सबसे अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, जिसकी वजह से उनके जो मिल्क में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो यहाँ का हम भी इवन वहाँ पे जो दूध लेते हैं वो होकाइडो मिल्क ही लेते हैं, और वहाँ पर जो क्रीम और जो बटर आता है वो सभी होकाइडो से ही आता है। तो काफ़ी फेमस है यहाँ का। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, जब मैं यहाँ पे आने वाला था, मैंने जिनको बताया था तो उन्होंने कहा था कि जब भी वहाँ पे जाएगा होकाइडो में तो यहाँ पर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़रूर ट्राई करना, लाइक स्पेशली चीज़ और यहाँ का दूध। तो ट्राई करता हूँ, अभी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ी सी भूख लगी हुई है, थोड़ा बर्गर या कुछ अभी खाता हूँ वेज यहाँ पे ढूंढ के। हेलो, आज day 2 है और मेरी यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस है होकाइडो यूनिवर्सिटी में। मॉर्निंग में होकाइडो यूनिवर्सिटी आ गया था। यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर कल अराउंड 6-7 डिग्री था, आज अराउंड 3 से 4 डिग्री पहुँच चुका है। और कल की प्रिडिक्शन है यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है, पहली स्नोफॉल इस सीज़न की
होकाइडो में। होकाइडो बहुत ठंडा है अभी भी, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और काफ़ी ठंड हो गई है लिटरली। जितनी मेरी वहाँ पे जनवरी में होती है यहाँ पे इतनी ठंड हो चुकी है इस टाइम पे। और ये कैंपस में पूरा अभी ऑटम देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी पेड़ झड़ चुके हैं और काफ़ी पेड़ों पे जो लीव्स के कलर है रेड येलो हो चुका है। वाह, यहाँ पे ये जो सिंपोजियम है आइस एज इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएशन इन जापान, काफ़ी लोग मिले हैं इंडियन, जो मोस्टली इसमें इंडियन ही आए हुए हैं, जो कहीं पे प्रोफेसर हैं और कहीं पे विद इन जापान कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं और कुछ यहाँ पे पोस्ट डॉक हैं जापान में। तो काफ़ी लोग मिले हैं, अपना पूरी कम्युनिटी मिली है, काफ़ी अच्छा लगा नए नए लोगों से मिलके। जो सिंपोजियम है केवल एक ही दिन की है और मेरे पास कल का और परसों का दिन है। परसों मेरी दोपहर को फ्लाइट है और परसों दिवाली भी है, तो मेरे वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे जाके अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ। अलग वाइब है होकाइडो की। तो यहाँ पे शाम को इसके बाद सिंपोजियम के बाद थोड़ा सा घूमता हूँ, थोड़ा कैंपस को एक्सप्लोर करके फिर कल होकाइडो को एक्सप्लोर करूँगा। और ये आज का वेदर बहुत ही चिल्ड हुआ है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है फील्स लाइक -10 है। आज रात को यहाँ भी स्नोफॉल हो सकती है। यहाँ पे वही ट्रैम है जो मैंने लास्ट टाइम तोयामा में देखी थी, तो यहाँ भी ट्रैम से जाऊँगा। यहाँ पे जितनी भी ट्रैम और जितनी भी ट्रेन्स हैं सभी में हीटर लगा होता है सीट्स के नीचे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बिना हीटर के आप रह ही नहीं सकते घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अभी यहाँ पे हमारी जो उतारू की बस है वो अराउंड 1.5 आवर के बाद है, 1.5 घंटे बाद। तो उससे पहले यहाँ पास में एक पार्क है बहुत बड़ा, निकाजीमा पार्क। यहाँ पे ऑटम के कलर्स देखते हैं होकाइडो के। ये पीछे लेक है और यहाँ पे आपको ये कलर दिख रहे होंगे इनके मैपल ट्रीज के। वाह, ये पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें अभी ये जो ऑटम ऑलमोस्ट जाने वाला है तो सभी पत्ते झड़ रहे हैं अभी, और यहाँ पे विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। 6 महीने यहाँ स्नोफॉल होता है, तो मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरे वहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है -2 या 3, वो भी कुछ दिनों के लिए, वो भी रात में। और यहाँ पर आज दिन में -6 डिग्री और फील्स लाइक -13 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और मेन टेम्परेचर ड्रॉप से नहीं है, मेन यहाँ पे बहुत विंडी है, बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही है, बट इसके व्यू बहुत अच्छे हैं।
अब यहाँ पे एक जगह है उतारू के नाम से, वहाँ पे सुना है वहाँ पे आज स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे भी रात को स्टार्ट हुई थी लेकिन 2-4 मिनट में रुक गई। लेकिन वहाँ पे एक फ्रेंड है ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, तो उसने कुछ फ़ोटो शेयर की है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, जापान की पहली स्नोफॉल यहाँ पे होकाइडो में। और वहाँ पे आज के दिन मैं स्टे करूँगा और कल मेरी वहाँ से फ़्लाइट है अराउंड 1 बजे, और जाके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, कल दिवाली है।